हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है ड्रीम जॉब अड्डा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के पटवारी के साइंस के क्वेश्चन जो कि 15 मार्च से लेकर 7 अप्रैल तक जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन सारे क्वेश्चन को हम आज की इस वीडियो में हम करा देंगे। यदि आपको इस वीडियो की आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ड्रीम जॉब अड्डा पे जाइए और वहाँ पास आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो चैनल का आप नाम लिखिए टेलीग्राम का, ड्रीम जॉब अड्डा, ठीक है। इस चैनल पे जाके आप इसकी PDF को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर। इसके अलावा एक चीज़ और ये भी है कि हम डेली बेसिस पे भी एनालिसिस करा रहे हैं। यदि आपका पेपर आगे है, यानी कि नेक्स्ट आगे वाले डेटों में है, तो आप वहाँ से उसके लिए आप हमारा एनालिसिस देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। ये पहला क्वेश्चन आया था, चाक का रासायनिक सूत्र क्या है। तो चाक का जो रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 होता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन था, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। तो ऑक्सीजन जो कि खोज देखिए दो लोगों ने किया था, सीले और पिस्टले। इन दोनों आगे का नाम मत याद कीजिएगा, पीछे का ही ज्यादा आसान लग रहा, सीले और पिस्टले, क्योंकि किसी भी ना किसी शिफ्ट में और भी आने के चांस है, क्योंकि दो चार क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो रिपीट हो जाए और इसके अलावा कोई टॉपिक पता चल जाएगा, तो इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। देखिए, संघ जीव के शरीर में जटिल कोशिकाएं संगठन पाया जाता है, यानी किस संघ के जीव में, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। जंतु और कवक किस रूप में ऊर्जा को संचित करते हैं। तो जंतु और कवक जो होते हैं ऊर्जा को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करते हैं। यही देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है कि अधिक वोल्ट को कम वोल्ट में करता है, कम वोल्ट को अधिक वोल्ट में करता है, ठीक है। दो चीज आप इस पॉइंट के याद देखिए, वोल्टेज को रेगुलेट करता है, ऊपर कम को ज्यादा करता है, ज्यादा कम। एक चीज और याद कीजिएगा ट्रांसफार्मर के लिए कि ये सिर्फ AC में ही यूज होता है, DC के लिए ट्रांसफार्मर नहीं यूज होता है। मलेरिया रोग जो होता है वो किस चीज अंग को आपके प्रभावित पर सॉरी मलेरिया रोग जो होता है किसके कारण होता है, तो ये एक परजीवी के कारण होता है और प्रभावित आपके प्लिया को करता है। बूम की आवाज किस स्थिति में सुनाई देती है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन था, लाइपेज एंजाइम कहाँ बनता है। तो लाइपेज जो एंजाइम है वो आपका अग्नाशय में बनता है। तो लाइपेज एंजाइम कहाँ बनता है, आपका अग्नाशय में बनता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि ब्लेज पास्कल जो थे, ब्लेज पास्कल का संबंध किससे है। तो ब्लेज पास्कल देखिए ऑप्शन होगा तो ज्यादा क्लियर आएगा, तो फिर भी मैं आपके लिए देखो, एक प्रकार के फ्रांसीसी गणितज्ञ थे और ये भौतिकी थे, भौतिकज्ञ भी थे। रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स यानी कि सूखा रोग हो जाता है, और इसका जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्सिफेरॉल होता है। पेंसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। एक मिनट कलर थोड़ा चेंज कर ले रहा हूँ। ठीक है, देखिए चूना नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूने में पानी डालने पर क्या होता है। तो CO2 गैस बनती है, ठीक है। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, तो जॉन डॉल्टन ने, उन्होंने परमाणु का सिद्धांत दिया था। देखिए पेड़ों के बीच फसल उगाकर खेती को क्या कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन आया था, हालांकि ये तो ऑप्शन से ही समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पैनक्रियाज में कौन सा हार्मोन्स रिलीज होता है। तो पैनक्रियाज से आपका देखिए इंसुलिन रिलीज होता है, देखिए आप सारे लिख लीजिए क्या क्या, ग्लूकागोन रिलीज होता है और सोमाटोस्टाइन होता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स से प्रभावित अंग, एड्स से कौन सा अंग आपका प्रभावित होता है। तो ये प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है। बेरिल किसका एक्स है, बेरिल जो है एल्यूमिनियम का एक्स है। देखिए परमाणु संख्या 12 किस, तो मैग्नीशियम जो होता है उसकी परमाणु संख्या 12 होती है। तो सिरके का कौन सा एसिड पाया, सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। यही देखिए प्लाज्मोडियम से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो प्लाज्मोडियम से जो अंग प्रभावित होता है वो प्लिया होता है। जल में घुलनशील विटामिन है BC और वसा में पिलामिन भी, देखिए वसा में घुलनशील विटामिन जो था कीड़ा था K, K, E, D, A, ये चार विटामिन जो थे वो वसा में थे, दो विटामिन BC थे वो जल में घुलनशील है। कांच पर पानी की एक बूंद डालने पर फैलता है लेकिन पारा नहीं फैलता, ऐसा एक क्वेश्चन आया हुआ था। देखिए एक बार बराबर होता है 1 जूल ऊर्जा प्रति सेकंड होती है, ठीक है। चूने का पानी दुधिया कैसे हो जाता है, देखो चूने का पानी दुधिया कैसे हो जाता है, तो जब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव द्वारा सुनी जाने वाली ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है। तो मानव जो ध्वनि तरंगों को सुनता है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में किस प्रकाश
सर्वाधिक होता है, यानी कि प्रकाश का संश्लेषण जो होता है सर्वाधिक किस प्रकार में होता है, लाल रंग में होता है। सबसे कम जिसमें होता है वो हरा रंग में होता है, हरे रंग में सबसे कम होता है, सबसे कम होगा हरे रंग में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, कैरोटीन किस रंग के लिए उत्तरदायी, तो कैरोटीन जो है तो नारंगी रंग के लिए उत्तरदायी होता है। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे, ध्वनि तरंगे एक अनुदैर्ध्य तरंगे है। यही अगर प्रकाश तरंगों की बात करें तो प्रकाश तरंगे आपकी अनुप्रस्थ तरंगे होती है। उल्का पिंड गिरने से डायनासोर नष्ट हुए, यह सिद्धांत किसने दिया, तो यह दिया था प्रोफेसर केलर ने दिया था, तो केलर याद करके रखिए, प्रोफेसर केलर ने यह सिद्धांत दिया। सूक्ष्म जीव जो मृदा के अंदर पाए जाते हैं पहले कहाँ इफेक्ट करते हैं, ऐसे एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटाइट किसका एक्शन, तो मैग्नेटाइट जो है लोहे का है। तो दूध में कौन सा प्रोटीन पाया, तो दूध में आपका पाया जाता है केसीन प्रोटीन पाया जाता है। विटामिन ए का रासायनिक सूत्र क्या है, तो ये होता है रेटिनॉल। रेटिनॉल जो होता है वो विटामिन ए का रासायनिक सूत्र होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl हो जाए। सोडियम कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, तो सोडियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। हरी सब्जी और फलों में गुलाबी रंग, जो गुलाबी रंग होता है का कारण है, किसके कारण का, तो ये होता है फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं इसके कारण गुलाबी रंग होता है। सोने को टाइट करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, इससे संबंधित एक क्वेश्चन आया था। तो कुत्ते का वैज्ञानिक नाम, डॉग जो होते हैं उनके वैज्ञानिक नाम कैनिस फैमिलियस होते हैं। वायुदाब की इकाई क्या होती है, ये ATM होती है। स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम की वैकेंसी कितनी होती है, तो ये होती है 1 होगी। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इमली में पाया जाता है टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। जब चींटी आपको काटती है तो कौन सी दवाई लगाती है, तो कैलामाइन लगाते हैं। प्रोटोजोआ से होने वाला रोग, देखिए प्रोटोजोआ से कौन सा रोग होता है, वो होता है पेचिश होता है। दूध से क्रीम किस विधि से के द्वारा अलग किया जाता है, वो अपकेंद्रीकरण के द्वारा किया जाता है। देखिए सोडियम का प्रतीक पूछा है, सोडियम का प्रतीक होता है Na होता है। जैविक खाद बनाने के लिए आप किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये गोबर राख फॉस्फेट इन सब चीजों का प्रयोग करके आप जैविक खाद बना सकते हैं। विटामिन, देखिए एक क्वेश्चन आया था, विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया किसकी कमी से होता है, ये आयरन की कमी से जो होता है वो एनीमिया हो जाता है। देखिए इसके लिए जो ऑप्शन, ये 49 क्वेश्चन है, इसके लिए ऑप्शन से आपको पता चले, पर ऑप्शन सभी नहीं है तो आप क्वेश्चन ही बस देख लीजिए। ठीक है, क्विक सिल्वर जो होता है, क्विक सिल्वर किसे कहते हैं, तो मर्क्यूरी जो होता है उसको क्विक सिल्वर कहते हैं, मर्क्यूरी को। ठीक है, रिएक्टिव पदार्थ जो होगा, रिएक्टिव पदार्थ से क्वेश्चन आया था। ठीक है, रिएक्टिव पदार्थ से क्वेश्चन, ये मर्क्यूरी नहीं होगा। तो जब दो वस्तु पानी में, देखिए दो वस्तु पानी में डालते हैं तो कितने बल कार्य करते हैं, तो एक ऊर्ध्वगामी बल कार्य करता है। ठीक है, SN सिंबल जो होता है किसको प्रतीत करते हैं, टिन होता है। SN जो होता है टिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, मानव शरीर की तंत्रिका तंत्र को कौन सा विटामिन प्रभावित करता है, तो कौन सा विटामिन प्रभावित करता है, इससे एक संबंधित क्वेश्चन है। पीलिया से कौन सा प्रभावित होगा, तो पीलिया से आपका लीवर प्रभावित होता है। ठीक है, कौन सा ऊतक पादपों को सहारा देता है, देखो कौन सा ऊतक पादपों को सहारा देता है, तो पैरेन्काइमा सहारा देता है और पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, पैरेन्काइमा जो होता है उसको सहारा प्रदान करता है, स्क्लेरेन्काइमा जो होगा वो आपको पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्मा का सबसे अच्छा संवाहक होता है चांदी होगा। ठीक है, दूध खट्टा होने पर कौन सा अम्ल बनता है, तो ये लैक्टिक अम्ल होता है। अल्फा कण में न्यूट्रॉनों की, न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या होती है। देखो इसमें दो न्यूट्रॉन होते हैं और दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं अल्फा कण में। ठीक है, देखो भारत में वायु प्रदूषण अधिनियम कब आया था, ये आया था भाई 1981 में आया था। 21वें गुणसूत्र के कारण कौन सी बीमारी होती है, तो 21वें गुणसूत्र के कारण आपको डाउन सिंड्रोम नाम की बीमारी होती है। ठीक है, देखिए किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड किसका मात्रक है, ये आवेग का मात्रक है। जोन शुद्धिकरण का प्रयोग किसके शुद्धिकरण के लिए किया जाता है, तो जोन शुद्धिकरण जो होता है ये धातुओं के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। तो जोन शुद्धिकरण किसके लिए किया जाएगा, धातुओं के शुद्धिकरण के लिए। नहीं, देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कौन सा सिद्धांत को प्रतिपादित किया, तो सापेक्षता का सिद्धांत जो है अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। द्रव्य ऊर्जा समीकरण दिया था, तो E=mc2। ठीक है, E=mc2 अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया। देखो सापेक्षता का सिद्धांत दो बार क्वेश्चन आ गया था, एक बार पहले आ चुका है। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, सीएफसी और ओजोन के बीच कौन सा पदार्थ, एक ऐसा क्वेश्चन आया था सीएफसी और ओजोन के बीच में कौन सा पदार्थ बनता है, सल्फर किस अमीनो अम्ल में होता है, तो सल्फर जो होता है स्टीरीन और मेथियोनिन में होता है, मछली के संवर्धन किससे संबंधित है, ठीक है मछली के संवर्धन, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे जिनके लिए ऑप्शन की आपको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है तो आप उसका क्वेश्चन देख लीजिए, टॉपिक आप कवर कर लीजिएगा क्वेश्चन देखने के बाद, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था न्यूलैंड के अनुसार, न्यूलैंड के अनुसार प्राकृतिक तत्वों की संख्या कितनी है, 56 है, न्यूलैंड के अनुसार प्राकृतिक तत्वों की संख्या जो है वो 56 हो जाएगी, ठीक है। देखिए एलपीजी के रिसाव का पता कैसे चलता है, तो एलपीजी जैसे आपके घर में रिसाव होती है तो आप एक तीचड़ गंध आती है तो वो गंध किसकी किसकी होती है, मरकैप्टम की होती है, सॉरी मरकैप्टम की होती है, सॉरी मरकैप्टम की गंध आती है, ठीक है एलपीजी में मिलाई जाती है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ एलपीजी के रिसाव हो रहा है, किस प्रकार के तत्व को सीधे रक्त द्वारा अवशोषित किया जाता है, ठीक है। देखो सिरके का रासायनिक सूत्र है तो ये होता C6H8O7 होता है सिरके का रासायनिक सूत्र। HIV जो होता है वो किस कोशिका को नष्ट करता है, तो ये लिम्फोसाइड को नष्ट करता है, तो HIV जो होगा वो लिम्फोसाइड को नष्ट करता है। देखो दाब का सूत्र आया था तो दाब का सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल, दाब जो प्रेशर होता है इसकी यूनिट जो होती है पास्कल होती है, इसकी यूनिट जो हो जाएगी वो हो जाएगी पास्कल हो जाएगी। देखो मानव शरीर किस विटामिन को सीधे ग्रहण कर सकता है, तो सीधे यानी कि विटामिन डी जो होता है वो सूर्य से आपकी बॉडी में, सूर्य से जो आपकी स्किन होगी स्किन में पड़ेगी और फिर वहां से आपके बॉडी के अंदर चली जाएगी, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य के शरीर में ताप बढ़ाने का कार्य कौन करता है, तो मनुष्य की जो हम लोग की बॉडी होती है उसमें जो ताप बढ़ाने का कार्य करता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस जो होता है वो ताप बढ़ाने का कार्य करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सीवेज में कौन सा कार्बनिक अपशिष्ट होता है, तो सीवेज में कौन सा कार्बन, तो इसके लिए भी आपको ऑप्शन की ही जरूरत पड़ेगी, ये कुछ क्वेश्चंस है जो बिना ऑप्शन के बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी सारे जो भी हैं उनका हम आंसर बता दे रहे हैं, ठीक है। तो सलाइवा में कौन सा एंजाइम लाइपेज एंजाइम पाया जाता है, तो सलाइवा में जो कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो ये टाइलिन पाया जाता है, सलाइवा में पाया जाता है आपका टाइलिन पाया जाता है, ठीक है। पर्यावरण किसका मिश्रण है, तो पर्यावरण जो होता है प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण होता है। तो देखिए आज की वीडियो में बस इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे जिसमें और भी क्वेश्चन जो होंगे उन सारे क्वेश्चन को हम कवर कर देंगे, ठीक है। तो थोड़े अभी लगभग 100 या 200 क्वेश्चन बचे होंगे तो उनको भी एक साथ ही हम कर देंगे। अगर इसको आपको PDF चाहिए इस लेक्चर की, आप तो इस चीज को लिख लीजिए, PDF अगर चाहिए तो टेलीग्राम पे जाएं, टेलीग्राम पे सर्च करेंगे ड्रीम जॉब अड्डा, ठीक है एक बार लिख लीजिए ड्रीम जॉब अड्डा, इस चैनल को जैसे ही आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो आपको पहले ही आपको इस PDF की PDF मिल जाएगी, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, एक इम्पोर्टेंट बात तो बेल आइकन को भी दबाइए, बेल आइकन को जब दबाएंगे तो हम जो भी नेक्स्ट वीडियो डालेंगे, जो भी हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे वो आपके पास उसका SMS पहुंच जाएगा, नोटिफिकेशन जिसे कहते हैं, नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा तो आप उसको देख सकते हैं। चलिए थैंक यू।